नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सवर्णों का साथ, बीजेपी का विकास, क्या यही है एजेंडा? जी हां, 8 लाख से कम सालाना आमदनी वाले गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन पर संसद में बहस चल रही है। जातीय आरक्षण से इतर आर्थिक आधार पर आरक्षण के मोदी सरकार के इस फैसले पर अधिकतर पार्टियां साथ दिख रही हैं, लेकिन सबके अपने अपने तर्क भी हैं। कोई पूछ रहा है कि नौकरियां कहां हैं, तो कोई ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा और बढ़ाने की मांग कर रहा है। इस बीच सरकार को डर है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट सकता है, इसीलिए संविधान में संशोधन करके बिल पास कराने की कोशिश हो रही है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अपने कार्यकाल के आखिरी साल के आखिरी सत्र में यह बिल लाकर सरकार सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रही है और 2019 से पहले नाराज सवर्णों को मनाने के लिए सरकार का दिखावा भर है। वहीं अगर आंकड़ों पर भरोसा हम करें तो आरक्षण पाने की जो योग्यता सरकार ने तय की है उसमें 90% से ज्यादा लोग इसके पात्र हो जाएंगे। तो ऐसे में आखिर ये आरक्षण कैसे जमीनी हकीकत का रूप ले पाएगा, समझना थोड़ा मुश्किल है। बावजूद इसके केंद्र सरकार की इस कोशिश को चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक 2019 में मोदी सरकार की वापसी में अहम भूमिका निभाएगा, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले कुछ बयान सुनाते हैं जो इसके पक्ष में है और विपक्ष में भी है। और ये आरक्षण का प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हों, जो वर्तमान में एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं, अर्थात आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं। ऐसे सब लोगों को मिलेगा, उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है और अन्य अन्य प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं आती है, उसमें उस पटेल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, आंजना भी है, सोंदिया भी है और मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है और जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण प्रणाली से बाहर हैं, वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, पहले इस प्रकार के जब प्रयास हुए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन निर्णयों को निरस्त कर दिया। वो केवल इसलिए कर दिया था कि संविधान में प्रावधान नहीं होने के बाद भी इस प्रकार के प्रयास किए गए थे जो सफल नहीं हुए। हमने सोच समझ करके संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इस प्रकार के प्रावधान करने का काम करने का निर्णय लिया है जो इस सदन के द्वारा पारित होगा। हमारी जो गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी? ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। और मेरे अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को भी कहना है कि जब गरीबों को दिया जा रहा है तो दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है। सरकार के द्वारा संसद में एक संविधान संशोधन पेश किया गया है। ये संविधान संशोधन से देश के लाखों 8 लाख से नीचे की आय वाले परिवारों के युवाओं को बहुत बड़े राहत मिलने वाली है। वो सभी जाति के परिवार जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता और जिनकी आय 8 लाख से कम है, वो परिवारों के सभी युवाओं को शिक्षा और नौकरी दोनों में आरक्षण देने का फैसला किया गया। Women's share of job lost in 2018 was 65 lakhs in rural and 24 lakhs in urban India. So where are you going to give employment? So on one side, there is a legal lacuna. Second, where is the employment? You have not generated any employment. So why you are bringing this legislation without further discussion?
मुद्दा कितना है और सियासत इसमें कितनी है, इसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनसे परिचय मैं आपका करवा देती हूं। अनीता अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़ी हुई हैं, जफर अमीन समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदफ जाफर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, अमरनाथ मिश्रा ब्राह्मण संसद की ओर से इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं, प्रोफेसर सतीश पांडे कानूनविद हैं इस डिबेट में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में, दलित चिंतक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से पहला सवाल होता है अक्सर डिबेट्स में, लेकिन आज मैं पहले विपक्ष के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि अरुण जेटली ने साफ कह दिया है कि विपक्ष खुले दिल से इस बिल का समर्थन करे। चाहते आप भी हैं, चाहते हम भी हैं, तो फिर विरोध किस बात का है? और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जफर अमीन साहब, कि आप भी ये कह रहे हैं कि बिल ठीक है, ये मुद्दा ठीक है, मिलना चाहिए आरक्षण, अगर मिलना चाहिए तो फिर टाइमिंग पर सवाल क्या, आज आता या कल आता, बात तो वही है। अगर आप इस मुद्दे का समर्थन करते हैं, अगर इस कदम का समर्थन करते हैं, तो फिर क्यों रास्ते तलाश रहे हैं, कभी टाइमिंग को लेकर, कभी तरीके को लेकर विरोध करने का? देखिए, हम इसलिए विरोध तो नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम जो समाजवादी पार्टी का कहना है कि रिजर्वेशन को अगर आबादी के हिसाब से कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा, सारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। जिसकी जितनी आबादी है उसको उसकी हिस्सेदारी उतनी दे दी जाए, लेकिन जो अपर कास्ट के लिए 10% आया है रिजर्वेशन, उसका हम विरोध नहीं करते। हम इस बात का विरोध करते हैं कि इसको कम से कम एक साल पहले लाना चाहिए था, ताकि वो अपर कास्ट के लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको इसका लाभ मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 चुनाव की तैयारी के लिए ये लाए हैं कि सिर्फ एक शोषा छोड़ दो, चूँकि ये हो नहीं पाएगा। हो इसलिए नहीं पाएगा कि लोकसभा में भी पास होना है, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उसकी फ्रेमिंग होना है, तो ऐसे समय नहीं है। आखिरी सत्र में नहीं लाना चाहिए था, इनको साल भर पहले ही लाना चाहिए था इसको, तो इनकी नीयत साफ नहीं है। और हम आरक्षण के पक्ष में हैं कि जो गरीब लोग हैं अपर कास्ट के, उनको मिलना चाहिए आरक्षण, लेकिन नीयत सरकार की नहीं है देने की। अगर सरकार की देने की नीयत होती उनको अपर कास्ट को रिजर्वेशन, तो वो एक साल पहले लाते। वो सिर्फ लाए हैं जो चुनाव हारे हैं 3 राज्यों में, जो इनके पास सरकारें थी, वो सरकारें गई हैं उसकी डर से लाए हैं कि हम तो जा रहे हैं, कुछ तो अपना ढाल बना लें। उनकी नीयत पे सवाल है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, हम आरक्षण का विरोध। सदफ जाफर, इस देश में हम सबको पता है कि इलेक्शंस हर साल होते हैं, और किसी भी वक्त ये नहीं कहा जा सकता है कि आसपास इलेक्शंस नहीं हैं। अभी आप लोग जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ टाइमिंग को लेकर के भी है, या फिर आप लोगों के पास कोई तथ्य भी है संविधान की मूल भावना के खिलाफ ये बिल है या फिर ये मुद्दा है, ऐसी कोई बात आप लोग जनता के सामने रखना चाहते हैं, या फिर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करके छोड़ देना चाहते हैं? सवर्णों की वोट बैंक की चिंता आप लोगों को भी है। देखिए, वोट बैंक की चिंता से ज़्यादा हमें सबके विकास की चिंता है, जिस विकास के दावे के साथ ये सरकार आई थी, जो मौजूदा सरकार है। मैं इस बिल को कहूँगी कि पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक है। एक गिरते हुए बैंक में इन्होंने एक बहुत ही पोस्ट डेटेड चेक लगाया है। इनके पास अब समय नहीं है, और इन्होंने पूरे 4.5 साल, या मैं और ज़्यादा कहूँ 4 साल 8 महीने गंवा दिए हैं जुमलेबाजी में, प्रचार में, तमाशों में। प्रधानमंत्री को जब काम करना था तब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, हाँ वो मतलब चाहे वो इकाई के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा की तैयारी के हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, वो यही करते रहे। तो अब जब है, उन्होंने जब 5 राज्यों में जो उन्होंने अपने हालात देखे हैं और 3 राज्यों में पूर्णतः हार देखी है और कांग्रेस की सरकारों का बनना देखा है, तो ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा हम करें काम, या पिटारे में से, पेंडोरा बॉक्स में से एक ऐसा कौन सी चीज़ निकाल के हम सामने रख दें कि सवर्ण खुश हो जाएं। सवर्ण को खुश करना था, इन्होंने SC ST बिल का पूर्णतः समर्थन किया था, तभी वो ला सकते थे बिल अगर उनकी मंशा साफ थी तो, लेकिन वो तब नहीं लाए, आराम से सोते रहे। अब क्या कर रहे हैं कि एक उन्होंने हल्का सा एक झलक दिखा देंगे और फिर कहेंगे अगर इसके आगे कुछ भी चाहिए तो फिर और 5 साल,
जैसे कि 15 लाख रुपए आ रहे हैं, आज तक आ रहे हैं, अभी तक आते रहेंगे। 10% आरक्षण मिलने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, हमें क्यों दिक्कत होगी, हम तो 1992 में आए थे। क्या आप लोगों को ये डर सता रहा है, क्या आप लोगों को ये डर सता रहा है कि ये मुद्दा उठा करके या फिर ये घोषणा करके 2019 के लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में सरकार लाभ ले जाएगी? देखिए, हम पूर्णतः अपनी जीत को लेकर और जनता में हमें विश्वास है, उससे ज़्यादा हमें इस बात पे यकीन है कि जनता आजिज आ चुकी है, परेशान है। मुझे ये एक जिस तमाम धरने प्रदर्शन, किसानों का सुसाइड, रोजगार की कमियां, चिकित्सा की कमी, अभाव, आप देखिए कि सड़कें भरी रहती हैं आए दिन। चूंकि हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, और ये तमाम मामले जो हैं आप गिनवा सकती हैं, और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। जो भी सरकार वादे बहुत सारे करती है लेकिन उनमें से आंशिक तौर पर ही पूरा कर पाती है, ये एक रिकॉर्ड रहा है इस देश का। लेकिन जब बात आरक्षण की आती है, क्या सिर्फ आप टाइमिंग को लेकर के विरोध कर रहे हैं या इसके मूल भावना को लेकर के भी कोई तर्क है? मूल भावना से ज्यादा मुझे या हमें कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जो जो हास्यपद बात है वो ये है कि अचानक कैसे याद आया। तो सिर्फ तो क्या आपकी मंशा वाकई भला करने अगर की आज ना लाके 4.5 साल पहले ये हुआ होता काम, तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती? अगर कुछ साल पहले ये काम हुआ होता तो कोई आपत्ति नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। आप समर्थन करते हैं 10% कोटा का? ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर सतीश पांडे जी, मैं एक बार आपसे कानूनी जो इसका पहलू है वो समझ लेती हूँ, फिर अनीता अग्रवाल के पास जाऊँगी, क्योंकि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है इंदिरा सानी केस में कि 50% इंदिरा सानी फैसला, जिसे मंडल जजमेंट कहा जाता है, 50% से ज़्यादा इस देश में आरक्षण नहीं हो सकता है। और क्या है उस फैसले में, ये भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। आरक्षण की सीमा 50% को पार नहीं कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 16(4) कहता है कि पिछड़ेपन का मतलब सामाजिक पिछड़ेपन से है। शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर होना सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं। अगर रिजर्वेशन में कोई सरकार 50% की सीमा पार करती है तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में होगा। सीधे तौर पर इस फैसले में कहा गया है कि अगर ऐसा किया भी जाता है, संविधान के दायरे में भी रहकर किया जाता है, तो भी जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में होगा। यानी कि मौजूदा संविधान की जो व्यवस्था है उसमें इस फैसले का टिक पाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इस पर खुद ही सवाल है। सर, प्रोफेसर सतीश पांडे, देखिए, जिस केस का आपने जिक्र किया, इंदिरा साहनी मंडल आयोग केस, आरक्षण के विषय के संदर्भ में ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा विस्तार से इसमें आरक्षण के प्रावधानों पर चर्चा किया, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया है। 6 जजों की बहुमत वाली बेंच ने, जो बेंच थी उसमें 6 बहुमत वाले जो जज थे, उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि आरक्षण किसी भी हालत में 50% से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की गई थी तो उसे भी 1992 में खारिज कर दिया गया इंदिरा सानी में कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। ठीक। उसे खारिज करने का कारण यह था कि जो हमारा संविधान है, संविधान में आर्थिक आरक्षण की बात नहीं की गई, नहीं कही गई। मूल अधिकारों के अंतर्गत वहां जो है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई है। ये बात अलग है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी बात कही गई है। जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना उसके एक तरह से उद्देश्य है, उस उद्देशिका है, और संविधान की मूल भावनाओं को समझने का वो मंत्र है या चाबी है, तो उसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात उसमें कही गई है कि आर्थिक न्याय। दूसरी बात, पिछड़ेपन, आरक्षण का आधार पिछड़ापन होगा और पिछड़ेपन का एक आधार जाति हो सकती है, और जिस मूलाधिकार खंड के अंतर्गत संविधान में ये अनुच्छेद 14, 15, 16 दिए गए हैं, इसके ठीक बाद अनुच्छेद 17 है जो कि अस्पृश्यता को का अंत करता है, और आरक्षण के जो मूल भावना है संवैधानिक या जो मूल दर्शन है इसके पीछे कानूनी, वो यही है कि अस्पृश्यता को मिटाया जाए और जो समाज में हाशिए पर जो वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। रही बात कि वर्तमान में क्या स्थिति होगी, जो अभी बिल लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें देखिए ये मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों में संसद
मूल अधिकारों में संसद के संशोधन की कुछ सीमाएं हैं, असीमित अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए पहले तो गाइडलाइन है कि मूलभूत ढांचा ना प्रभावित हो, जो मौलिक ढांचा बताया गया है एसआर बम्बई केस और तमाम अपने निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक ढांचा किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन नहीं किया जाए जिससे मौलिक ढांचा जो है वो प्रभावित हो। और ये हमारा जो मौलिक अधिकार है ये मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर ये संविधान संशोधन हो जाता है, अगर मान लीजिए कि इसे पास कर दिया जाता है, तो ये तमाम तर्क जो आप रख रहे हैं, जो संविधान में लिखा हुआ है, चाहे वो मूल अधिकारों की बात हो, चाहे आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान ना होने की बात हो, क्या इन तर्कों के आधार पर उस कदम को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, बता रहे हैं, आ रहे हैं आपके इस मुद्दे पर, अभी मैं आ ही रहा था। जो इन मूल अधिकारों में जो संशोधन होगा, इनके संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बहुत जटिल प्रक्रिया है। दो तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए ये बिल, संसद में दो तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम आधे राज्यों का इसको अनुसमर्थन होना चाहिए, आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास होना चाहिए ये बिल। दोनों सदनों में दो तिहाई और आधे राज्यों का, आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। केवल दोनों सदनों से काम नहीं चलेगा, ठीक, ये भी चाहिए। ठीक, हाँ, ये 50% की सीमा से अधिक, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इंदिरा साहनी के केस में कि आरक्षण की सीमा विशेष परिस्थितियों में 50% से अधिक हो सकती है, जो कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में है, नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय में है, मिजोरम में है और नागालैंड में है, वहां है 50% से अधिक है। चूंकि वो सुदूर पूर्ववर्ती क्षेत्र है, वहां कठिनाइयां हैं तमाम प्रकार की, तो इसलिए वहां के जो ट्राइबल जो सोसाइटी है उनके उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, ठीक है। अब इसका सियासी पहलू जो है, जरा मैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी प्रोफेसर रविकांत आपसे चाहती हूँ, क्योंकि हमने ये जान लिया कि क्या विपक्ष का स्टैंड है और दिन भर चर्चा जो चल रही है सदन में उसमें भी हम देख ही रहे हैं, और जो कानूनी पक्ष है इसका वो भी हमारे सामने आ गया है कि क्या क्या चुनौतियां इसके सामने हैं, ये जानते हुए कि ये जो मसला है वो संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता है, या फिर क्या जुडिशरी में इसके सामने दिक्कत आ सकती है, ये तमाम बातें जानते हुए अगर बीजेपी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और ये फैसला कर चुका है कैबिनेट, और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध खुलकर नहीं कर पा रही हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए शुभ्रा जी, टोटल वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और चूंकि जिस दिन वो लाए हैं तो इस टाइमिंग को लेकर के भी सवाल हो रहे हैं कि आप ईमानदार नहीं हैं। और दूसरी बात, जो रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात आ रही, देखिए पहली बात तो ये है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ठीक, कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण करेंगे वो सीधा सीधा संविधान में उल्लेख है। और मैं ये बात पहले से भी कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ, ये दोनों के दोनों संविधान को बदलने और संविधान को मिटाने पर उतारू हैं, और ये इनका आज का काम नहीं है। जनसंघ और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा के रामराज्य परिषद के ज़माने से संविधान पर सवाल उठते रहे हैं, और ये लगातार संविधान को इनके बीजेपी के सांसद ने बाकायदा कहा है कि संविधान को हम बदलना चाहते हैं, और संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि संविधान में कि इस देश के हाशिए पर जो समुदाय हैं उन समुदायों को मुख्यधारा में लाने के तमाम विशेषाधिकार तमाम सहूलियतें उल्लिखित हैं। लेकिन जो बात पांडे जी कह रहे थे कि उसमें उसकी मूल भावना में, प्रस्तावनाओं में आर्थिक जो न्याय की बात है, मैं उनको बता दूं कि ये जो आर्थिक न्याय की बात है, जहां से कांग्रेस ने शुरू किया था आजादी के बाद, पहला उसका स्टेप था कि हम जमींदारी उन्मूलन करेंगे। तो जो धन्ना सेठ बैठे हुए थे, जो इस देश के संसाधनों पर जिनका कब्जा था, उस कब्जे को हटाने की मुहिम शुरू होनी थी। और आपको यह भी मालूम होगा कि संपत्ति का जो मूलाधिकार था उसे बाद में खत्म किया गया। तो ये आर्थिक न्याय की बात इसलिए कही गई थी कि जो कुछ लोगों के पास बहुत सारा धन है, उनके जमीनें हैं, उसे खत्म किया जाए। हाँ। और जो हाशिए पर जो वर्ग कही गई थी, और उनको लाया जाए, तो एक तो ये मसला था। दूसरा इसमें जो पैच है कि अभी तो SC ST और OBC को आरक्षण ठीक से मिला ही नहीं है। 27% आरक्षण जो OBC को है, अभी हालात ये है कि 14% उनको हासिल है। वही हालात SC और ST को है कि पहले और दूसरे जो सेवाएं हैं
उन सेवाओं में अभी उनका पूरा प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला है। और तो इस तरह से ये जो सरकार है वो वास्तव में दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों के पीछे पड़ी हुई है। अभी आप 4.5 साल से देख रहे हैं कि उनके साथ कितने अन्याय हुए। SC ST एक्ट पर आप पहले उसको कमज़ोर करते हैं और उसके बाद फिर एक नया अधिनियम लेकर के आते हैं। तो दरअसल ये विभाजनकारी जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है और वो ये समझते हैं कि हम मत करके पूरे भारतीय समाज को जीत हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी अब गलतफहमी है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जिसको जनता समझ रही है कि इसमें कुछ होना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो जरूर असमंजस में हैं कि वो इस बिल का समर्थन करें या इसका विरोध करें, ये जरूर हुआ है। लेकिन जनता पूरी तरह से समझ रही है, चाहे वो सवर्ण समाज हो या जो आरक्षित वर्ग है, वो सब जान रहे हैं कि इसमें होना कुछ नहीं। ठीक है, अब बीजेपी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ और हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा भी हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो एक दूसरे के लिए तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अनीता अग्रवाल जी, आपसे सवाल यही है कि 4.5 साल तक तो आप लोगों को याद नहीं आई और अभी इस मौके पर जब इलेक्शंस पास आ रहे हैं, आपको मालूम है ना ठीक से चर्चा हो पाएगी, ना एकजुट होने की दिशा में काम हो पाएगा, ना आप कंसेंसस बना पाएंगे सभी दलों के बीच में। उसके बावजूद अगर अभी अचानक आप लोगों ने यह फैसला कर लिया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सवर्णों को लुभाओ और बीजेपी का विकास करो। देखिए शुभ्रा जी, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर अच्छा फैसला आता है, चाहे वो पहले आया हो चाहे बाद में आया हो, उसका तो स्वागत करना चाहिए कि हाँ ये एक अच्छा फैसला आया है। सबसे बड़ी बात है कि 2004 से 2014 के बीच में जब इनकी यूपीए की सरकार थी, इनका मैनिफेस्टो में था, तब ये कुछ नहीं कर पाए। आज अगर हमने इस चीज़ को किया है उसके बाद उस पर ये लोग ये कि पहले क्यों नहीं आया, अरे जब आया तभी आप साथ में आ जाओ। सब इनको केवल ये है कि विपक्ष की राजनीति मात्र केवल इतना है कि कोई अच्छा काम करो उसका भी इनको विरोध करना है। खराब तो चलो मानते हैं जो है, लेकिन जो अच्छा करो उसका इनको विरोध ही करना है। इनका केवल इनको विपक्ष को एक ही पहाड़ा पढ़ाया गया कि आपकी हर सत्र के आखिरी दिन अच्छा काम करना। आप बोलो करनी बोले प्लीज, बीच में मत बोलिए, बाद में जवाब दीजिएगा आप। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को एक ही पहाड़ा है उसके पास कि जो भी सरकार का है उसका हमें अपोजिट ही बोलना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें केवल उसका विरोध ही करना है। पहले क्या होता था कि विपक्ष की राजनीति अलग तरीके से होती थी, मतभेद हो सकते थे, मनभेद। आज ये लोग मनभेद पहले भर रखे हुए हैं कि इन्होंने ऐसा कहा हमें तो उसका उल्टा ही चलना है, चाहे जनता के लिए अच्छा हो उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने विपक्ष की विरोध करना है। उनसे पूछ लूंगी, उनसे मैं पूछूंगी, लेकिन एक आंकड़ा मेरे पास है जो सवाल मैंने आपसे किया था उसी से जुड़ा हुआ। और आंकड़ा ये कहता है कि 14 राज्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं और लोकसभा की बहुत सारी सीटें वहां पर हैं, उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है और बिहार उसमें शामिल है, वहां पर 91% ऐसी सीटें हैं जो सवर्ण बहुल, जहां पर बीजेपी का बहुत स्टेक है और उन पर बहुत दारोमदार टिका हुआ है। आप कैसा परफॉर्म करेंगे लोकसभा इलेक्शंस में? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ही 80 में से 40 सवर्ण बहुल सीटें हैं जहां पर बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सवर्ण किसको वोट देंगे, उससे डिसाइड होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। बिहार में अगर 40 सीटें हैं तो 20 उसमें से सवर्ण बहुल हैं जहाँ डिसाइडिंग फैक्टर हैं अगड़ी जाति के लोग। इसीलिए क्या यही ध्यान में रखते हुए क्या 4.5 साल के बाद अभी अचानक से आप लोगों को याद आ गया? बिल्कुल नहीं, सबका साथ सबका विकास लेके सामाजिक समरसता को हमने दिया और सबका साथ सबका विकास का सही से हम काम कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि हमने पूरा जनता के लिए जब से हमारी सरकार आई है नीचे तबके से लेकर हमने सारा कार्य कर रहे हैं। आप देखिए हमारी अगर अब योजनाओं को अगर मैं गिनाने बैठूंगी तो शायद 3-4 घंटे लग जाए। जो मेन आपको देखिए जो हमने नीचे के उज्ज्वला योजना हमने की, हमने सौभाग्य की, हमने नरेंद्र मोदी जी का, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए स्वास्थ्य में हमने कितना ज्यादा, केवल एक मिडिल क्लास लोगों को कितना उसमें बेनिफिट हुआ, उसमें चाहे स्वर्ण हो चाहे जो। और ये जो आरक्षण आया 10%, इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आर्थिक आधार पे हुआ है, इसमें सब लोग आ सकते हैं, उसमें खाली ये नहीं है कि कुछ ही लोग आएंगे। और देखिए दिलचस्प बात ये है कि मुसलमानों को जो आरक्षण है उसका विरोध जो पार्टी करती रही है, अब वही बात कर रही है कि देखिए इस आरक्षण में मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं और सिख भी आते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी में चेंज हुआ है, जो शिफ्ट हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हम लोग की डिमांड बहुत समय से थी, जनता की डिमांड थी कि आर्थिक आधार पे किया जाए। हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, अमरनाथ मिश्रा ब्राह्मण संसद की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग तो खुश होंगे सरकार से, अब मंदिर का मसला तो याद नहीं आएगा ना, जिस पर आप लोग बार बार घेर रहे थे सरकार को।
देखिए शुभ्रा जी, कभी स्वर्ण समाज ने हमारी जानकारी में ऐसा है कि आरक्षण मांगा ही नहीं है। अगर मांगा हो तो किसी ने आंदोलन किया हो, ज्ञापन दिया हो तो बताइए। ये बेकार की बात है। स्वर्ण समाज हमेशा अपनी प्रतिभा, योग्यता और विवेक के आधार पर बढ़ा। जैसे अभी पहली बार सुनने को मिला कि मुसलमानों में स्वर्ण होते हैं, अब सरकार को याद आई। हमारे बगल में ये बैठी हैं सदफ साहिबा, ये स्वर्ण है। पांडे जी स्वर्ण हैं, अनीता जी खुद स्वर्ण समाज से आती हैं। ये बता दें कि इन्होंने अग्रवाल समाज के लिए आरक्षण कभी मांगा हो? मांगा ही नहीं गया, दिया गलत है। नौकरी कहाँ है आपके पास? आरक्षण तो तब आप दीजिए जब सरकार के पास नौकरी हो। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था और हिंदू समाजवादी पार्टी के खिलाफ थे, तो नेताजी ने ये बात कही थी, समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, कि हम गरीब ब्राह्मणों और गरीब स्वर्णों को हम आरक्षण देंगे। सिर्फ वो एक जुमले वाली बात थी, राजनीतिक बात थी, उससे कुछ हुआ नहीं। ये जो आरक्षण का विषय इस समय सरकार लेकर के आई है, इसका कुछ होने जाने वाला है नहीं। बिल्कुल हम रविकांत जी से और पांडे जी से सहमत है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि ये आपका मत है, लेकिन कई ऐसे संगठन हैं, सवर्णों के संगठन हैं, जो ये समझते हैं कि ये काफी अच्छा कदम है और वो खुश भी नजर आ रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें भी दिख रहा है कि खास वर्ग जो है इस कदम को लेकर के बहुत उत्साहित है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शायद जो दूसरे मसले हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो या फिर मंदिर का मसला हो, उस पर से ध्यान हटाने के लिए शायद ये शगुफा छोड़ा गया है, ये आरोप है। शुभ्रा जी, आर्थिक आधार पे आरक्षण सबने का डिमांड की थी, ये गलत है कि आर्थिक आधार पे डिमांड नहीं की गई। आर्थिक आधार पे शुरू से कहा जाता था कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार, सवर्णों ने आर्थिक आधार पे अपने लिए आरक्षण नहीं मांगा, उन्होंने SC ST और OBC से कहा था इनको आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए, अपने लिए नहीं मांगा कभी। बात से सहमत है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्वर्णों में आर्थिक आधार पे किया है तो उसमें परेशानी क्या, उसमें तो कम से कम। तो अमरनाथ जी, आपको नहीं लगता है कि कुछ फायदा होने जा रहा है? नहीं, कोई फायदा नहीं। कहा जा रहा था कि तीन राज्यों में सवर्णों ने वोट नहीं किया है, बहुत कम वोट किया है बीजेपी को तीन राज्यों में, और इसीलिए ये स्टेप उठाया गया। जो SC ST एक्ट में संशोधन किया सरकार ने, उससे पूरे देश में विरोध हुआ, और ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में खासकर जो स्वर्ण समाज के लोग थे, ब्राह्मण ठाकुर विशेषकर, वो बीजेपी के खिलाफ थे। अब लोकसभा का चुनाव सामने खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे अयोध्या राम जन्मभूमि पे ही कुछ कर नहीं पाए, उसमें भी आम जनता के अंदर बहुत रोष है और बड़ा दबाव है। जो आंदोलन चला रहे थे राम जन्मभूमि के लिए, उनके ऊपर बड़ा दबाव है कि आपने मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। अब ये एक चीज़ आ गई नई, इससे तो हमें लग रहा है जिन लोगों को वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है, SC ST हो या OBC हो, वो नाराज हैं कि आपने हमारा 54% था, हमें 27 दे रहे हैं, आप 15% स्वर्णों को आप 10% दे रहे हैं, मगर उसमें आपने जाट को, गुजर को, सिख को और मुसलमानों में स्वर्ण सबको शामिल कर लिया। उस हिसाब से तो संख्या स्वर्णों की बहुत बड़ी हो जाएगी, तो 10% तो बहुत कम पड़ेगा। और आपसे मांगा ही नहीं गया तो दिया क्यों आपने? ठीक है, एक आंकड़ा मेरे पास भी है, और वो ये कहता है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, खासकर मध्य प्रदेश का एक आंकड़ा है, ग्वालियर चंबल इलाका, जहां पर सवर्ण आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा था, और वहां 2018 में 34 में से 7 सीटें पाई हैं बीजेपी ने, सिर्फ 7 सीटें, और यही आंकड़ा 2013 में 20 था, 34 में से 20 सवर्ण बहुल इलाके में सीटें पाई थी बीजेपी ने, जो घटकर 7 हो गया 2018 में। तो क्या यही वजह है, ये भी मैं पूछूंगी। लेकिन जफर अमीन साहब, आरोप आप पर यह है कि कोई अच्छा कदम उठाया जा रहा है तब भी आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। कहां हम लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं? हम लोग तो दिक्कत वहां पैदा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई अच्छा कदम अभी तक उठाया ही नहीं, और उठाया भी तो आखिरी वक्त में, आखिरी सत्र के आखिरी दिन में उठाया। अब हमारा एतराज यह है कि भाई किसी के लिए तो भला करो, 10% जो अपर कास्ट के लोग हैं, गरीब, उन्हीं का भला कर देते एक साल पहले लाके, क्योंकि ये प्रक्रिया आसान नहीं है। अमीन साहब, आपकी बात पे आपत्ति है। अपर कास्ट में गरीब कोई नहीं है, हमारे पास विद्या का धन है, ज्ञान का धन है, विवेक का धन है, गरीब हम नहीं है। मिश्रा जी, हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं, नहीं, पूरे समाज का आपकी बात को काट नहीं रहे हैं। जनरल कैटेगरी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनमें भी गरीब हैं और हम अच्छा काम भी करते हैं तो विपक्ष विरोध करता है। आप अच्छा काम आखिरी दिन में करती हैं, सरकार जाने के आखिरी सत्र में करती हैं कि इसके बाद सत्र नहीं बुलाया जाएगा? अब देखिए, अब आप बोल रही हैं, आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं, नहीं, अभी आपने हमको टोका, मैं चुप हो गया, इसलिए कि भाई सत्ता में है आप, उसे भी ठीक है, काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है, हम अभी के सवाल का जवाब दे रहे हैं कि कोई अच्छा काम आपने आखिरी सत्र के आखिरी दिन में किया,
क्यों हमारा ये कहना है कि इसको पहले क्यों नहीं किया आपने? अच्छा ऐसे बताइए आप, तो हम कोई आपके अच्छे काम में भागीदार नहीं है, कोई अच्छा काम किया नहीं है। आप हमको जवाब दीजिए, सौभाग्य योजना अच्छी नहीं है, जो घर घर बिजली पहुंची अच्छी नहीं है। अरे कहाँ पहुंची है? धरती पर नहीं कुछ हुआ है, अगर धरती पर हुआ होता तो आपकी तीनों स्टेट में सरकार नहीं जाती। आवास आवास योजना प्रधानमंत्री नहीं पहुंची क्या? आवास नहीं मिलेगा? अच्छा देखिए ना कितनी देखिए ना कितनी धांधली हो रही है। आप ये धांधली चूल्हे नहीं मिले क्या? आप बताइए, बताइए सिलेंडर बिहार में नदी में नहीं और तुम महिलाओं ने फेंका, सैकड़ों महिलाओं ने, कि 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया आपने, हम कहाँ से लें? दाम आप देखिए, आप बताइए ना, आप उज्ज्वला योजना की बात कर रही हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने नदी में फेंक दिया सिलेंडर आपका, आप उज्ज्वला योजना की बात कर रही हैं? आप आयुष्मान योजना से सहमत नहीं है जो आप 5 लाख की योजना दी जा रही है? कहाँ दी जा रही है? हम मुद्दे से भटक गए। अब आप घर में बांट रही होंगी, आप जाइए, आप बताइए। अच्छा तो ये बताइए तो फिर जनता आपसे नाराज क्यों है? एक सेकंड, दवाइयाँ जनता नाराज आपसे नहीं है, जनता नहीं नाराज है, जनता नाराज नहीं होती तो आप जीते तो नहीं। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, आप तीनों भाई इलेक्शन हारी की नहीं हारी? 29 साल के बाद आप गोरखपुर का चुनाव हारी की नहीं हारी? लड़के आए हैं आप किराना का चुनाव हारी की नहीं हारी? हमारा गठबंधन नहीं हुआ था, सिर्फ जवानी हम लोगों की बात हुई थी तो आप क्यों आपका गठबंधन जनता के साथ होने जा रहा ना? अरे जनता आपका गठबंधन आपके साथ नहीं है। आप उद्धव ठाकरे जी को आप मनाइए, अच्छा आप अपना दल की अनुक्रिया पटेल जी को मनाइए। अरे आपका गठबंधन, हम मुद्दे से भटक जाएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, हम मुद्दे से भटक जाएंगे, मुद्दे पर रहिए, आरक्षण पर रहिए, आरक्षण पर रहिए, आरक्षण पर बात कीजिए, आरक्षण पर बात कीजिए प्लीज। सदब जाफर आप कुछ कहने की कोशिश कर रही थी? जी हाँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि रोजगार जो देने की बात हो रही है, रोजगार की जो इन्होंने दावे किए थे वो ये था कि 9.5 करोड़ जो है ये होने चाहिए, जनरेट करेंगे ये एम्प्लॉयमेंट, 2 करोड़ नहीं दे पाए हैं। बेरोजगारी की दर इतनी बड़ी है, सुसाइड रेट बड़े हैं, लोग अपने ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। बता दूं थोड़ा सा ये नहीं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जब आप बोल रही थी मैं खामोश थी, जब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे बोल देने दीजिएगा इसके बाद। हाँ बिल्कुल, आप आंकड़े मुझे बता दीजिएगा। तो मेरा कहना बस इतना है, जब सरकार एचएएल के मुंह से निवाला खींच के ये अपने कॉरपोरेट दोस्तों को और हितैषियों को दे रहे हैं, एचएएल के पास पैसे नहीं है अपने लोगों को देने के लिए, आकाशवाणी को बंद करना पड़ा, जिस तरह के हिसाब से काम चल रहा है, सारे नवरत्न जो हैं वो डूब रहे हैं, ओएनजीसी का हाल जो है वो आपके सामने है, बीएसएनएल का हाल आपके सामने है, ये आरक्षण देंगे तो कहां देंगे, रिलायंस में कि अडानी के कंपनीज में? ये मैं सवाल पूछना चाहती हूँ अपनी दोस्त से। एक मिनट, आंकड़े हम बता दें इनको कि 4 साल में हमने क्या क्या किया, सुन लीजिए आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन किया है, जीएसटी किया है, बेरोजगारी देंगी, पकौड़ा बनवाने की बात आपने कर दिया, आपने यूजीसी ग्रांट खत्म कर दिए, सारी आपको शिक्षा से नफरत है, आपको रोजगार से नफरत है, आपको अनीता अग्रवाल जी आंकड़ों की बाजीगरी ही तो देखती आ रही है देश की जनता। अनीता अग्रवाल जी, अनीता जी, अनीता जी आंकड़ों की बाजीगरी ही तो देखती आ रही है आंकड़ों की बात करिए, बीजेपी का राज बहुत फर्क होता है मैम, बीजेपी से एक सवाल अनीता जी, मजबूरी है, अनीता जी, अनीता जी, जनता के हित के लिए विपक्ष
अच्छा एक सवाल आपके तो नेता ने कह अनीता जी अनीता जी एक सवाल आपसे है अनीता जी प्लीज लगातार मत बोलिए अनीता जी एक सवाल आपसे है। सवाल ये है कि आप भले ही लाख आंकड़े गिनवा ले, लेकिन सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि इतने रोजगार तो क्रिएट कीजिए ना जो आप लोगों ने वादा किया था। नितिन गडकरी आपको मालूम है आपके केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बात को नहीं नकारना चाहिए आपको। उन्होंने ये कहा था कि रोजगार ही हल है, आरक्षण हल नहीं है। जब तक रोजगार नहीं रहेगा तब तक आरक्षण भी कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर आप लोग आरक्षण कर रहे हैं। मुद्रा लोन जो है ना वो नहीं है, किसान को लोगों को उसके क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, जान निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं लोन देने की। आपने किया लोन दिया तब हमने लोन दिया। प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर रविकांत एक सेकेंड प्लीज, एक एक करके एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। मैम वन टू वन डिबेट नहीं है ना, प्लीज और भी लोगों को मौका दीजिए, और भी लोगों को मौका दीजिए। ठीक है, और भी लोगों को मौका दीजिए। प्रोफेसर प्रोफेसर रविकांत प्रोफेसर रविकांत एक सेकंड अनीता जी, बस 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 ठीक है ठीक है। अनीता जी एक सेकंड, आपको क्या न्यूज़ है? प्रोफेसर रविकांत हाथों में नोट लेने प्लीज, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, आप लोग इतना शोर कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है मैम, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है अनीता जी। और आपका मुख्यमंत्री का घोटाला, अच्छा नहीं लगता है मैम जब आप लोग ऐसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर जब ऐसे चिल्लम चुल्लू होती है, अच्छा नहीं लगता है। फिर से कह रही हूँ, अपनी साख का सवाल रखिए, अपनी साख का ख्याल रखिए, अपनी साख का ख्याल रखिए, अपनी साख का ख्याल रखिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बोथ ऑफ यू प्लीज, ये बोथ ऑफ यू अमित शाह जी का क्रिमिनल रिकॉर्ड, बोथ ऑफ यू प्लीज प्लीज, तड़ी पार रह चुके हैं, बात मत करिए। आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ मैं, आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ मैं, आरक्षण पे बात कर रही है, आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता है, बीजेपी कांग्रेस से आप लोग इतनी बड़ी पार्टी से हैं, आप लोग ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इस तरह से चिल्लम चिल्ली जब होती है तो आपकी साख पर अच्छा असर नहीं पड़ता। आप समझते नहीं है इस बात को, दर्शक देखते हैं और नोटिस भी करते हैं। मैं आगे बढ़ूंगी, प्रोफेसर रविकांत आपके पास में आ रही थी, और सवाल ये है कि बीच में एक बार ऐसा वक्त आया जब ये कहा जा रहा था कि सवर्णों को भी और दलितों को भी नाराज कर दिया है इस सरकार ने। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद अध्यादेश की मांग को लेकर के हमने देखा कि बड़ी संख्या में दलित जो है वो सड़कों पर उतरे, और तब ये कहा गया कि दलित नाराज हैं, और कई घटनाएं भी ऐसी हुई जिसका जिक्र आप खुद कर रहे थे, लेकिन बाद में उस फैसले को पलट दिया गया, फिर ये कहा गया कि सवर्ण नाराज हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद सवर्ण जो हैं वो सरकार के पक्ष में वोट कर पाएंगे, या फिर ये फैसला किस तरह से बैठेगा 2019 में, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए शुभ्रा जी, 2014 के पहले इस देश की जनता ने मोदी जी में अपना विश्वास जाहिर किया था, और उसमें क्या SC क्या ST सारे लोगों ने, और ये एक उम्मीद थी कि देश आगे तरक्की करेगा, और वो एक नारे के साथ आए थे सबका साथ और सबका विकास। लेकिन पिछले 4.5 साल में हम लोगों ने देखा कि विकास किन लोगों को हुआ, उनके जो 15-20 जो पूंजीपति मित्र हैं कुछ तो उसमें से इस देश से फरार हो गए हैं, और दूसरी तरफ बैंक दिवालिया हो गए हैं, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं, और दूसरी तरफ जो हुआ है कि धर्म और जाति के आधार पर इतना बेमनस पैदा कर दिया गया है कि कभी आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा सीधे लिए चल रहे हैं जहां पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन 100% आरक्षण यहां से अनुमति दे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं संविधान संशोधन के इस 124 विधेयक के पक्ष में खड़ा हुआ हूं, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं, और भी माननीय धर्मेंद्र जी, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूं, उन्होंने मुझे लगा बहुत दिनों बाद आप सपा बसपा की ज्वाइंट स्पीच पढ़ रहे थे, सही
आप उसका उत्तर हम लोग अलग से आपको देंगे। मैं आज प्लीज प्लीज नॉट लाइक दैट नथिंग नॉट लाइक दैट नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। पांडे जी, महेंद्रनाथ पांडे डोंट प्लीज नाउ ओनली यू व्हाट एवर यू से विल गो। मैं आज संविधान सभा की ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है लगातार संसद के भीतर और बिल को पेश तो कर ही दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या किस तरह से बढ़ता है ये पूरा सफर। प्रोफेसर रविकांत अपनी बात पूरी करें और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बाकी पैनलिस्ट से कि सुन लीजिए एक बार, क्योंकि अगर एक साथ सब लोग बोलते हैं तो दिक्कत होती है दर्शकों को समझ। मैम प्लीज, अभी बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अभी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। दलित चिंतक है मैम, मैंने आपको बता दिया, दलित चिंतक है, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। आपकी जानकारी पर भी सवाल कर रहे हैं, फिर आपको आपकी जानकारी पर हाथ से तो किसी की भी जानकारी पर सवाल खड़ा कर दीजिए। पहले वो शिक्षक है रविकांत जी, विश्वविद्यालय के शिक्षक है, सुनने का मादा रखिए, कैसे उसको किसी पार्टी से सुनने का मादा रखिए, अनीता जी मैं बता रहा हूँ मैं आपके पक्ष की एक बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए आपके पक्ष की मैं एक बात कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए, नहीं वो आपके पक्ष में जाएगी। अनीता अग्रवाल सुनने का मादा रखिए, अनीता अग्रवाल दूसरे को भी मौका दीजिए, पूरे डिबेट में सिर्फ एक शख्स नहीं बोल सकता। मैं जो कह रहा था कि ये दरअसल जाति और धर्म के आधार पर आप कब तक लड़ाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 में जब थी और जब लग रहा था कि ये वो हार जाएगी चुनाव, तो उन्होंने भी उस समय जाट आरक्षण को हवा दी थी, उससे वो इनकार नहीं कर पाएंगे। और यही हालात आज के हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये लग रहा है कि अब हम जाने वाले हैं तो वो सवर्ण आरक्षण को हवा दे रहे हैं। लेकिन आपने बीच में क्या किया, आप दुनिया तमाम की जो पूरी यात्राएं कर डाले, आपने अगर जमीन पर किया होता वास्तव में इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, और आपने विश्वविद्यालयों को तो खत्म कर दिया, शिक्षा और रोजगार में जो आप कह रहे हैं आरक्षण देंगे, अभी ब्राह्मण सभा के जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आप उसकी उनकी पूरी प्रतिभा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो जब उन्होंने मांगा ही नहीं तो आप क्यों दे रहे हैं। लेकिन आप जो संस्थाएं उनको खत्म कर दे रहे हैं, आपने सीबीआई के साथ क्या किया, विश्वविद्यालयों के साथ क्या किया, रोजगार पर आपके जो बयान आते हैं वो शर्मनाक बयान हैं। तो दरअसल है यही कि आप अगर कुछ देने की स्थिति में नहीं हैं, शासन और प्रशासन चलाने का अगर शऊर नहीं है तो आपको सिर्फ ये आता है कि चूंकि आप दलित चिंतक हैं, प्रोफेसर रविकांत, ये चीजें नहीं होंगी, चूंकि आप दलित चिंतक हैं इसलिए एक सेकंड, मायावती की राजनीति भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक सेकंड मैम, प्लीज प्लीज, जब मैं आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा, जब मैं आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा। प्रोफेसर रविकांत, मायावती की पॉलिटिक्स भी आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि वो पहले भी कई बार जिक्र कर चुकी हैं, मांग कर चुकी हैं और इस बार भी समर्थन वो कर रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मूल भावना के खिलाफ है संविधान के, तो ये जो पार्टियां समर्थन कर रही हैं या फिर विरोध नहीं कर पा रही हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या है? बिल्कुल, मैं मायावती ने जो कहा था कि हम सवर्णों को आरक्षण देंगे, हाँ। ये जो उनका बयान आता है, हाँ। बयान आया था, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये मूल संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान में जब आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, मैंने पहले भी कहा कि ये आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, आपके दूसरे प्रावधान, मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था उन गरीब सवर्णों को, जो जिनको वो चिन्हित कर रहे हैं, 15 लाख उनको डाल खाते में, तो उनकी सहूलियतें बढ़ जाएंगी। लेकिन आपको वो करना नहीं है, आपको करना ये है कि लड़ाना है दलित को सवर्ण से, सवर्ण को ओबीसी से, और हिंदू को मुसलमान से, ये लड़ा करके आप राज हासिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 4-4.5 साल में इस देश के अवाम ने इस बात को समझ लिया है कि अब वो विभाजनकारी राजनीति में नहीं फंसने वाली है, और यही डर है कि वो आखिरी दिन ये बिल लेकर के आए। ठीक है, अनीता जी के पास मैं जाऊंगी और जवाब आप देना चाह रही हैं, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर सतीश पांडे के पास फिर से रुख करना चाहती हूँ। और सवाल ये है सर कि ठीक है, ये कदम उठाया जा रहा है, तमाम दल जो हैं कुछ आगे से कुछ रोग आ करके मैं कहूँगी, लेकिन समर्थन सब कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये होना ही चाहिए।
अब जाट मराठा पाटीदार ये जो तमाम समुदाय हैं, जो तमाम वर्ग हैं, ये पहले से भी आरक्षण की मांग करते रहे हैं। इसको लेकर हो हल्ला भी काफी होता रहा है, कई बार कोशिश भी की गई लेकिन कोर्ट ने फैसला पलट दिया। अब अगर ये जातियां भी आगे आ जाएंगी और कहेंगी कि देखिए अब हमें भी चाहिए, अगर आप परिवर्तन कर ही चुके हैं तो हमारे लिए भी कीजिए, फिर कैसे होगा, क्या रह जाएगा फिर? देखिए आरक्षण का मुद्दा जो है ये विधिक और सामाजिक से अधिक राजनीतिक हो गया। ठीक, जैसा कि अभी आज की परिचर्चा में भी हम लोग महसूस कर रहे हैं इस विषय को। जब आरक्षण का प्रावधान किया गया था संविधान के लागू होने के बाद 1951 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दो राजम के केस में इस आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था कि जाति आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। तो संविधान में जो पहला संशोधन किया गया 1951 में, पहला संशोधन किया गया आरक्षण का प्रावधान करने के लिए जाति आधार पर, क्योंकि ये माना गया कि पिछड़ापन, जाति भी पिछड़ेपन का एक आधार हो सकता है। हमारी संवैधानिक स्कीम से बिल्कुल स्पष्ट है, समाज के कमजोर वर्गों के उन्नयन की बात कही गई है और कोई ना कोई मापदंड तो होना चाहिए, यह है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मिश्रा जी ने कहा जी, कि सवर्ण कभी गरीब नहीं है, कमजोर नहीं है। मिश्रा जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और ये जो प्रस्ताव आया है आरक्षण का, जो इसमें प्रावधान किया गया है आरक्षण के लिए, जो पैमाना बनाया गया है, जो पैरामीटर बनाया गया है कि कौन इस आरक्षण के पात्र होंगे, ये पूरी विनम्रता से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो 8 लाख की सीमा बनाई गई है वार्षिक, तो वार्षिक जिसकी आमदनी 8 लाख होगी वो गरीब नहीं होगा। जो भूमि की सीमा बनाई गई है, उतनी भूमि जिसके पास होगी वह भी गरीब नहीं होगा। और वास्तव में आपको अगर जो गरीब को देना है तो जो जेन्युइन गरीब है उनको दीजिए। हमारे पैनलिस्ट रवि कांत जी हमारी बात से इत्तेफाक रख सकते हैं या हो सकता है ना भी रखते हों। देखिए सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आरक्षण का प्रावधान किया कि समाज के मुख्य धारा में आए एक समाज से जो कटा हुआ वर्ग है। स्वतंत्रता के पूर्व हमारे समाज में बहुत भीषण, स्वतंत्रता के पूर्व का सदियों से बहुत व्यापक पैमाने पर भेदभाव रहा है जाति आधार पर। इवन कुछ जातियां तो ऐसी रही हैं कि वहां जो है कि एकदम छुआछूत तक या हवा तक ना आए उधर से, इतना रहा है। तो इस विभेद को दूर करने का एक ही रास्ता था कि इनको हम विशेष सुविधाएं दें, इनको आरक्षण दें, इनको मजबूत बनाएं, ये मुख्य धारा में आए। अच्छा, दूसरा हमारा ये सुझाव है कि देखिए जैसे कि ओबीसी में, देखिए ओबीसी के आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, उसके जो प्रावधान किए गए हैं उसमें एक क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है। उस क्रीमी लेयर में देखिए तो कुछ जो है कि पदों के नाम दिए गए हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज, क्लास वन अफसर, इन तमाम श्रेणियों की चर्चा की गई है कि इन श्रेणियों के जो पाले होंगे या जो बच्चे होंगे इन लोगों को ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक आर्थिक सीमा भी निर्धारित की गई 8 लाख की, 8 लाख से अधिक जिसका होगा उसको नहीं दिया जाएगा। और वही देखिए यहाँ पर 8 लाख की आमदनी जो है, जी नहीं 8 लाख वहीं से लिया हम, मेरा मानना है कि 8 लाख वहीं से लिया गया होगा कि चूंकि एक क्रीमी लेयर 8 लाख का पहले से तय है ओबीसी में, तो ये सीमा तय करेंगे, कहीं विवाद नहीं होगा। नहीं तो इस सीमा को लेकर विवाद होगा कि भाई ओबीसी के लिए 8 लाख है, हमारे लिए 15 लाख क्यों है, ओबीसी के लिए 8 लाख है, हमारे लिए 4 लाख क्यों है। क्योंकि देखिए ये मुद्दा शुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा है, न विधिक है न सामाजिक है। अच्छा एक चीज और है, आप इतिहास उठा करके देखिए राजनीतिक इतिहास, कि जब जब सरकार लगता है सरकार पे खतरा आता है या सरकार जब जाने जाने को होती है, कमजोर पड़ती है किसी भी स्तर पे, तब तब जो है आरक्षण का जिन निकाला जाता है, तब तक ये बोतल से बाहर निकाला जाता है। जी जी, जैसे वो बीपी सिंह जी की सरकार जब जाने लगी है ना, उनकी स्थिति जब जो है कि बिल्कुल कमजोर होने लगी, तब उन्होंने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो बरसों से दबी पड़ी थी उसको उन्होंने ठीक है निकाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अनिता जी, कि आप लोगों को भी लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा किसी और रास्ते से, तो चलिए यही काम कर देते हैं, यही शगुफा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है शुभ्रा जी, हमने काम किया है, पूरी तरीके से काम किया। मैंने वही कहा, मैं अपनी यहाँ पे आपको आंकड़ा बता दे हूँ, जो तो काम के आधार पे वोट मांगती है सब करने की क्या जरूरत है आपको, बड़े पेट में आप लोग के दर्द होते हैं, विपक्ष को भी, हमें विपक्ष को भी काम किया तो काम के आधार पे वोट मांगती है, काम के आधार पे ही मांग रहे हैं उसे, क्या अगर हमने आरक्षण इसका दर्द, ये अगर आर्थिक आधार पे हम ला रहे हैं इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है, काम की बात की है, आपने काम किया होता तो ये सब नहीं करती। अगर ये भी हमारा ये कहना, हमने कुछ कहना, आप अपने
कोई बात कहें। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बोल रहा है, कोई बोलने भी नहीं देगा उसको, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते कि जनता अच्छे से जान रही है कि मोदी जी क्या कार्य कर रहे हैं। मोदी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, कोई आप लोग कहते हैं घोटाले लेके अपने घर परिवार नहीं भर दिए उन्होंने, जो आप लोग के और सारे विपक्ष विरोधी ने अपने घर परिवार को भरा हुआ है। जवाब दीजिए, सारे घोटाले आपने क्या रखे? अमित शाह जी का लड़का जैसा 1600 गुना एक साल में कमाया, तो उस पर आप नहीं बोलेंगी? अमित शाह जी व्यापारी हैं, सोनिया नहीं। आप बताइए ना, 13,000 करोड़ रुपया महेश शाह लेके नोटबंदी में आता पता नहीं? आप क्यों नहीं है, कौन था बताइए? हम तो ये सब बात आपसे पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आपने काम किया था, चली जाती काम को आधार में बना के। आप लोग क्या, कौन सा व्यापार है? मुलायम सिंह यादव कौन सा व्यापार कर रहे हैं? सोनिया जी कौन सा व्यापार कर रही है? राहुल जी कौन सा व्यापार कर रहे हैं? जवाब दीजिए मैम, क्या व्यापार कर रहे हैं? ठीक है, सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब बड़ा व्यापार है, अब जवाब सुन लीजिए, आपके पास बड़ा व्यापार नहीं, जितनी एजेंसियां हैं सब तो आपकी जेब में है, करा लीजिए जांच करा लीजिए भाई, आपके जेब में है। अभी डायरेक्टर वाले में आपको पता चला सीबीआई डायरेक्टर में आपने क्या किया था? सीबीआई डायरेक्टर में सुप्रीम कोर्ट बहुत कम बचा है, सदफ जाफर बोलना पड़ेगा आपको अगर आप अपनी बात रखना चाहती हैं। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए नीता जी, आप सुन लीजिए। जी की जो कंपनी थी वो लॉस में चल रही थी, आपने केवल परिवार बढ़ाया और बहुत बहुत कम वक्त बचा है। चल रही थी कंपनी जिसका अनीता जी, अब सुन, अब सुन भी तो लीजिए ना, आप सवाल खड़ा कर दिया, आप सदफ जी को सुन लीजिए। सदफ जाफर भाई, मेरा कहना बस इतना है कि आपने इतने साल ना कोई रोजगार किया, मनरेगा आपने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, आप जहां रोजगार था वहां वहां आपने हर चीज खत्म कर दी। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप जानते इसका कुछ होना हवाना नहीं है, आपकी मंशा सिर्फ इतनी है कि आप एक हल्का सा कुछ दिखा देंगे। जो अभी आपने हमने कहा कि राहुल जी कौन सा रोजगार कर रहे हैं, इस पे तो मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी, क्या रोजगार है उनका बताइए हमें, क्यों ऐसे क्या कहाँ से पैसा ला रहे, कहाँ उनका इतना पैसा जा रहा है? बिल्कुल क्या बिल्कुल इस बात पे हम बता दे रहे हैं क्या रोजगार है? आप क्या, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है? आप कांग्रेस के प्रवक्ता है? नहीं, हम अपनी, आपने अभी मुलायम सिंह जी का नाम लिया था। नहीं नहीं, इसमें मैं जवाब देना चाहूंगी, हमारी पार्टी का भी नाम लिया है, राहुल गांधी के रोजगार बता दे, देख रहे हैं कि सब चोर चोर मुस्लिम है, हम रोजगार बता रहे हैं तो आप रोजगार की सुनने को तैयार नहीं है? जनता का पैसा आपने लूटा है, सब जनता जानती है। इसका मैं वाकई जवाब देना चाहूंगी, ये मुझे देने दे तो। बोलिए 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 सदफ जी, बोलिए सदफ जी, अगर आप सुनना चाहे तो मैं जवाब देना चाहूंगी। आज का महाठगबंधन था तो हम लोग तो नहीं कहे, सुन नहीं रहे आप लोग, सिर्फ सवाल ही कर रहे हैं, सिर्फ पूछ ही रहे हैं, सिर्फ शोर मचा रहे हैं। हाँ बोलिए सदफ जी। मैं इस पे बस इतना कहना चाहूंगी कि आपका तोता आपकी जेब में है, आप जिसके ऊपर चाहते हैं सीबीआई, अगर कोई मीडिया हाउस आपके खिलाफ है तो आप उस मीडिया हाउस में सीबीआई छोड़ देते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर गठबंधन से डर लगता है? अरे बोल लेने दीजिए अनीता जी थोड़ी देर, वो सबने देखा है। मुझे मत बताइए, हिंदुस्तान जिस तरह से भटका दिया आप लोगों ने, मुद्दा हमारा आरक्षण है लाल। हाँ तो इस पे बात मत करिए, बात अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं कि सोनिया जी और राहुल जी पे कहां से उनके पास पैसे आ रहे हैं, वही बात आती है 4 साल 8 महीने आपने क्यों नहीं जांच कराई? आप बहुत शोर मचाते हुए आए थे, ये जांच वो जांच, कहां गई आपकी जांचें? आप जानते हैं कि सच क्या है? आप जानते हैं कि आपके जो है वो स्केलेटन्स कितने? अब बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, देखना होगा कि आरक्षण, सवर्णों को आरक्षण के मामले में एक दिन का सत्र बढ़ा दिया गया है, क्या हाल होता है लोकसभा में और क्या हाल होता है राज्यसभा में। अरुण जेटली ने अपील की है कि सभी दल खुलकर इसका समर्थन करें और साथ आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।